रामहरचरण कुंज सेवा संस्थान पेटिया चौराहा रीवा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। अनंत श्री विभूषित श्री रामहरचरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सानिध्य में पेटिया चौराहा स्थित रामहरचरण कुल सेवा संस्थान में मालूम हो कि जगत गुरु महाराज द्वारा रजत जयंती पर श्री राम मंत्र महायज्ञ अंतर्राष्ट्रीय रातः सम्मेलन अयोध्या धाम में आगामी 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में रीवा संभाग की संभागीय बैठक, इस बैठक में महत सेवा श्री उद्धव दास जी महाराज, संत रसिक स्वरदास श्री पदाधिकारी, डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी कार्यकारी अध्यक्ष, संविदाकार विजय मित्रा, ब्रजेंद्र तिवारी, बब्बुल तिवारी, रामत द्विवेदी सहित आश्रम के लोग मौजूद रहे। श्री राम मंत्र महायज्ञ, राम मंत्र महायज्ञ 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 में अयोध्या धाम में जानकी घाट चारुशीला मंदिर पर होने जा रहा है। इसमें 800 क्विंटल हवन सामग्री के द्वारा 1,30,00,000 आहुतियाँ दी जाएंगी। 108 कुंड होंगे। 11 मंजिल की यज्ञशाला निर्मित हो रही है। 501 श्रीमद् भागवत के विद्वान भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके द्वारा 501 भागवत जी के पारायण होंगे। 501 जुड़े श्रीमद् भागवत के यजमान बनकर के रहेंगे। 500 राम मंत्र जापक 13,00,00,000 मंत्र का जाप करेंगे। मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनका नाम श्री राजेंद्र देवाचार्य समाज में लोग लेते हैं, उनके द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा होगी। संपूर्ण भारतवर्ष के महामंडलेश्वर द्वाराचार्य शंकराचार्य सबका आमंत्रण हो रहा है। सभी महापुरुष कृपा करके वहाँ पधारेंगे। स्वामी जी की जन्मभूमि सतना जिला में पौड़ी धाम है। पौड़ी धाम ये रीवा संभाग के अंतर्गत हो रहे हैं, तो समस्त भक्तों की इच्छा है कि यहाँ भी एक बैठक हो जाए और यहाँ के भक्तों को भी ज्ञान होवे कि स्वामी जी का एक यज्ञ पुनः अयोध्या धाम में होने जा रहा है। इसके लिए एक विशाल बैठक है। इसका नाम है श्री राम मंत्र महायज्ञ। इसकी कैसे व्यवस्था की जाएगी? इसमें 800 क्विंटल हवन सामग्री के द्वारा 1,30,00,000 आहुतियाँ पड़ेगी। इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के राम भक्तों के लिए अयोध्या में निवास की व्यवस्था बनाई गई है। प्रत्येक आश्रमों में आवासीय व्यवस्था बन चुकी है। उसमें 11 मंजिल की यज्ञशाला निर्मित हो रही है। साथ ही लाखों जो संत महापुरुष पधार रहे हैं, उनके लिए वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि सभी राम भक्त भारत के कोने कोने से सहयोग कर रहे हैं, तो उनके सहयोग के द्वारा ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। संत समागम भी होगा 11 और 12-13, 3 दिवसीय संत सम्मेलन चलेगा, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के द्वाराचार्य शंकराचार्य महामंडलेश्वर संत भगवान पधारेंगे। संपूर्ण अयोध्या धाम का झरा भंडारा चलेगा। उस क्षेत्र में कोई भी जीव पहुँच जाए, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, ऐसा निश्चय किया गया है। तो लगभग 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो भी भक्त आएंगे, सबको भोजन कराया जाएगा।